अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग का मोड़ और आलू की सब्ज़ी। धो के पानी निथर के रख ली हूँ मैं आलू को और मूंग को। इसके लिए एक पतीला रख ली हूँ मैं, पतीला गर्म हो रहा है। इसी में डाल देंगे ऑयल, एक टेबलस्पून के करीब ऑयल डाली हूँ मैं। इसी में जाएगा 1/4 टीस्पून ज़ीरा, प्याज एक मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप करके रख ली हूँ मैं, इसमें डाल देंगे। सॉटे कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, इसी में डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। बारीक चॉप किया हुआ 2 टमाटर मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। इसी में डाल देंगे पोटैटो, इसी में डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं 1 टीस्पून डालेंगे मैं। लिड लगा के 3 से 4 मिनट इसको ऐसे पका लेंगे। मिक्स कर लेंगे। इसी में डालेंगे मूंग का मोड़ को। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी में डाल देंगे 1/2 ग्लास पानी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो टू मीडियम रख के इसको आलू गलने तक और मूंग गलने तक इसको पका लेंगे। पानी भी इसी में छूट गया है, अभी थोड़ा पकने के लिए वेट करेंगे। इसी में डाल देंगे गरम मसाला 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी, आधा टी स्पून। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुक हो चुका है पोटैटो, मूंग भी गल चुकी है। इसी में डाल देंगे हरा धनिया। गैस को कर देंगे बंद, डिश आउट करके बताती हूँ मैं। डिश आउट कर चुकी हूँ, आप देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी।
इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। अल्लाह हाफिज़।